वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल गाइस। आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस शीत का क्या कलर होता है और किस कोड से हम शीत को पहचानते हैं। सबसे पहले आती है फाइव फ्रेंच की शीत। फाइव फ्रेंच की शीत को हम पहचानेंगे उसको कलर कोड के हिसाब से। जो फाइव फ्रेंच का कलर कोड होता है वो ग्रे कलर का होता है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे जैसे शीत का डायलेटर है ग्रे कलर का है, और हब के पास भी जो कलर इसका ग्रे कलर का है, इससे हम पहचानेंगे कि ये फाइव फ्रेंच की शीत है। दूसरे नंबर की शीत पे आते हैं जो सिक्स फ्रेंच की है। इसको भी हम कलर से ही पहचानेंगे। इसका कलर है ग्रीन। आप देख पा रहे होंगे इसका डायलेटर भी ग्रीन है और हब के पास भी ग्रीन कलर है। थर्ड नंबर पे आते हैं सेवन फ्रेंच की शीत। सेवन फ्रेंच का जो कलर होता है वो होता है हमारे पास ऑरेंज कलर का। इसमें भी डायलेटर देखो ऑरेंज कलर का है और इसके हब के पास भी जो कलर है ऑरेंज कलर का है। फोर्थ नंबर पे आते हैं एट फ्रेंच की शीत में। एट फ्रेंच की शीत का कलर जो होता है वो होता है ब्लू। इसमें भी आप देख पा रहे होंगे डायलेटर ब्लू कलर का है और हब के पास भी कलर जो है ब्लू है। फ्रेंड्स, फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा नाइन फ्रेंच। नाइन फ्रेंच का कलर कोड जो होता है ब्लैक होता है। जो आप देख पा रहे हो डायलेटर इसका ब्लैक कलर का है और हब के पास भी इसका कलर जो है ब्लैक है। इससे हम पहचानेंगे कि ये नाइन फ्रेंच की शीत है। नेक्स्ट आते हैं टेन फ्रेंच की शीत में। टेन फ्रेंच की शीत का कलर जो होता है वो पर्पल होता है, जिसका डायलेटर भी आपको पर्पल कलर का मिलेगा और जो शीत का हब है वहाँ से भी आपको पर्पल कलर आपको दिख जाएगा। वीडियो पूरी देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा और भी शीत प्रोडक्ट केस में यूज होती है, जैसे फोर फ्रेंच की उसका कलर होता है रेड। उसका भी सेम ही होता है, उसका भी डायलेटर हमें रेड कलर का दिखेगा और शीत के पास जो कलर होगा उसका रेड कलर दिखेगा, जिससे आप आसानी से पहचान पाओगे कि ये शीत फाइव फ्रेंच की है, सॉरी फोर फ्रेंच की है। फ्रेंड्स, जो भी अभी मैंने आपको शीत दिखाई वो सारी फिमोरल आर्टरी की थी, फिमोरल साइड पंचर साइड की थी। रेडियल में भी फाइव फ्रेंच की शीत आती है, सिक्स फ्रेंच की आती है। उसको हम किस तरह कैसे पहचानेंगे? एक तो हम कलर कोड से पहचानेंगे कि ये सिक्स फ्रेंच की शीत है, बाकी हम किस तरह कैसे पहचानेंगे कि रेडियल शीत कौन सी है और फिमोरल शीत कौन सी है, वो इसमें लिखा भी रहता है और साइज भी आप देखोगे तो आसानी से आप पहचान पाओगे। जो हमारी फिमोरल शीत है वो सिक्स फ्रेंच की तो होगी पर वो 11 सेंटीमीटर की होगी और उसमें मैक्सिमम जो वायर जो उसमें इंसर्ट होगा वो 0.38 का होगा। और जो रेडियल शीत होगी उसमें भी कलर तो सेम रहेगा पर जो उसकी लेंथ होगी वो 7 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। और जो उसमें रेडियल जो शीत का जो वायर होगा जो रेडियल शीत का वो 0.025 का होगा। कभी शीत का भी इस तरह ही होता है जो फाइव फ्रेंच का और रेडियल का भी होता है। इसमें जो होता है फिमोरल शीत बेसिकली हमारी लेंथ में 11 सेंटीमीटर की होती है और रेडियल हमारी 7 सेंटीमीटर की होती है। फ्रेंड्स, अभी आपने वीडियो में देखा कि हम शीत को किस तरह कैसे पहचानेंगे उसके कोड से। फ्रेंड्स, हमारा जो कैथेटर है उसका भी सेम रहता है, जो कलर कोड रहता है जो शीत का कलर कोड सेम रहता है, वैसे भी कैथेटर का भी सेम रहता है गाइडिंग और डायग्नोस्टिक का। जिस तरह फाइव फ्रेंच का हो चाहे सिक्स फ्रेंच का हो सेवन फ्रेंच का या एट फ्रेंच का हो, तो सेम ही कलर कोड रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा।